हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सत्यदेव त्रिपाठी आप सभी विद्यार्थियों का SST क्लासेस में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैं आप लॉकडाउन में आपके पढ़ाई के लिए, मैं आप लोगों के मदद के लिए मैथ साइंस का वीडियो अपलोड करूंगा। सो इसी क्रम में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं क्लास 10th के फिजिक्स के पहले चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के चैप्टर से मैं कुछ वीडियो अपलोड कर चुका हूं और मैं अगला वीडियो बनाने जा रहा हूं। सो आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा और लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो देखने के अंत में कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। चलिए हम समय नहीं ज्यादा लेंगे, सीधे टॉपिक पे आते हैं। आज का मेरा जो टॉपिक है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन मीन्स होता है, आपको आप जानते हैं, आप पढ़े भी हैं, इसके पहले वीडियो में बता भी चुका हूं, आप जानते भी होंगे, नहीं जानते होंगे तब भी कोई बात नहीं है। प्रकाश का परावर्तन का मतलब, जब प्रकाश की किरणें किसी पॉलिशदार अथवा चिकने सतह पर पड़ती हैं, तो पड़ने के बाद अधिकांश किरणें, अधिकांश का मतलब मैक्सिमम पार्ट ऑफ रेज रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो प्रकाश के किरणों का अधिकांश भाग, जो प्रकाश होता है, प्रकाश का अधिकांश भाग रिफ्लेक्ट हो जाता है, मतलब परावर्तित हो जाता है और उससे टकरा कर पुनः उसी माध्यम में वापस आ जाता है। इसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कैसे होता है डियर स्टूडेंट्स? इस तरह से, जैसे मान लीजिए ये आपका, मान लीजिए ये आपका दर्पण है, समतल दर्पण, ये मान लेते हैं समतल दर्पण है, ठीक है ना। अब मान लीजिए यहाँ से कोई प्रकाश की किरण ऐसे इस पे आई, तो ये प्रकाश की किरण जब इस पे पड़ेगी तो डियर स्टूडेंट्स ये ऐसे क्या होता है, इसे टकराएगा। अब ये चिकना है, पॉलिशदार है, लेप लगा है, तो इधर नहीं आएगा, ये हमारा क्या है, अपारदर्शी माध्यम है, क्योंकि इसके दूसरे तरफ लेप लगा है। ये मेरा क्या है, ये मेरा है दर्पण, ठीक है। अब आप जानते हैं दर्पण के एक तरफ पॉलिश लगा होता है और चिकना समतल होता है, तो इस पे जब गिरेगा तो गिरने के बाद डियर स्टूडेंट्स ये ऐसे निकल जाएगा, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, यही प्रक्रिया प्रकाश के किरण का किसी चिकने अथवा पॉलिशदार सतह से टकरा कर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यही हमारा परावर्तन हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका परिभाषा हो गया प्रकाश का किसी समतल को हटा देते हैं, प्रकाश का किसी चिकने अथवा पॉलिशदार सतह से टकरा कर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आई, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। ये प्रकाश की किरण आई और इस पर गिरी और टकरा कर वापस चली गई। देखिए ये कहाँ से आ रही है, वायु में, फिर कहाँ चली गई, वायु में, तो उसी माध्यम में आई और इस सतह से टकराई, फिर उसी माध्यम में वापस चली गई। तो यही हमारा प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हैं इसमें हमारे कितने पार्ट हैं। एक तो ये है,
ये किरण आ रही है लगातार आकर इस पॉइंट पे गिर रही है। तो ये हमारा हो गया ऑप्टेटिक रेज, जिसको हम बोलते हैं आपतित किरण या आपाती किरण, इसको ऐसे भी कह सकते हैं आपतित किरण या आपाती किरण, आपतित आपाती किरण लिख देते हैं, आपाती किरण या आपतित किरण जिसको ऑप्टेटिक रेज बोलते हैं। ठीक है, ये टकराई, टकरा कर वापिस चली गई तो ये परावर्तित हो जा रही है। परावर्तित होने का मतलब क्या, ये अपने मार्ग को बदल दे रही है। इसका मार्ग ये स्टूडेंट्स, यदि आप थोड़ा ऐसे डॉट डॉट करेंगे तो ये होगा, लेकिन ये नहीं है, मार्ग बदल जा रहा है, इसलिए इसको हम परावर्तित कहते हैं। इसका परावर्तन हो जा रहा है, तो ये हो गया हमारा परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण हो गया। ये स्टूडेंट्स अब ये इस सतह पर गिर रही है, इसको हम M1 मान लेते हैं, इसको हम M2 मान लेते हैं। और ये स्टूडेंट्स M मींस होता है मिरर, तो मिरर का पहला किनारा, दूसरा किनारा, तो ये हो गया हमारा इसी इस सतह से क्या हो रहा है, परावर्तित हो रहा है। ये हो गया परावर्तित, चाहे पृष्ठ कहिए या सतह कहिए, ये परावर्तित पृष्ठ हो गया। ठीक है ये स्टूडेंट्स, अब ये जिसको ऐसे हम ऐसे नॉर्मल करें, ऐसे डॉट डॉट करके मिलाएं, जिस पॉइंट पे आपतित किरण आ रही है, यदि इसको हम ए मान ले, तो ये स्टूडेंट्स ये इस पे नॉर्मल है, सब परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, इसको हम बोलते हैं अभिलंब, नॉर्मल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ये हमारा हो गया अभिलंब, जिसको नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है ना, अब ये देखिए अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बन रहा है, इसको हम बोल इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और इसको हम बोलते हैं आपतन कोण, आपतन कोण। ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा है इसको हम बोलते हैं आपतन कोण, आपतन कोण। बात समझ में आई, अब देखिए अभिलंब और ये जो हमारा रिफ्लेक्टेड रेज है, इसके बीच जो कोण बन रहा है आर, आर फॉर रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक, तो ये हमारा रिफ्लेक्शन एंगल हो गया, और इसको आर से व्यक्त करते हैं, जिसको हम बोलते हैं परावर्तन कोण, ये हमारा परावर्तन कोण हो गया, जिसको हम व्यक्त करते हैं किससे, आर से, आपतन कोण को व्यक्त करते हैं आई से। बात समझ में आई, तो इस तरह से हम कह सकते हैं प्रकाश परावर्तन में कुल कितने घटक हैं। थोड़ी स्टूडेंट्स आप इसको आसानी से कह सकते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित घटक हैं। नंबर पहला है परावर्तक सतह या पृष्ठ, ठीक, सतह या पृष्ठ। ठीक, अब जो परावर्तक पृष्ठ होता है इसे किसे कहते हैं, तो यहां लिख सकते हैं आप, जिस सतह से आपतित किरण परावर्तित होती है उसे परावर्तित पृष्ठ कहते हैं या परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। यहां लिखिए, जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे या उस पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। ठीक है ना, तो आप उदाहरण में लिख सकते हैं, जैसे M1, M2, जैसे यानि कि चित्र में M1, M2 परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है ना, उसके बाद में आपतित किरण। ठीक है ना, इसके बाद में आपका क्या है, आपतित किरण हो गया। अब आपतित किरण क्या है, इसको बोलते हैं ऑप्टेटिव रेज। आपतित किरण क्या है, तो यहाँ लिखेंगे परावर्तक पृष्ठ की ओर आने वाली प्रकाश की किरण
आपतित किरण कहलाती है, आपतित किरण कहलाती है, ठीक है ना, आपतित किरण कहलाती है। तो यहाँ हम यदि इसको मान लें कि ओ से आ रहा है, ये ओ से आ रहा है, ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं जैसे, जैसे यहाँ लिख सकते हैं जैसे चित्र में ओ ए आपतित किरण है, ओ ए आपतित किरण है। बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। आपतित किरण है, ठीक है ना। इसके बाद में आपतित किरण के बाद आ गया परावर्तित किरण, तो परावर्तित किरण, ठीक है ना, तो परावर्तित किरण भी ले लेते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्ट रे, तो हो गया परावर्तित किरण। अब परावर्तित किरण क्या है, रिफ्लेक्ट रे क्या है, अब परावर्तित किरण का परिभाषा आप यहाँ से डियर स्टूडेंट बना सकते हैं, वह प्रकाश की किरण जो परावर्तित होकर, वह प्रकाश की किरण जो परावर्तित हो, जो समतल पृष्ठ से टकरा कर, यही है ना परावर्तित किरण, वह प्रकाश की किरण जो समतल दर्पण से टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, ठीक है, वह प्रकाश की किरण जो परावर्तित पृष्ठ से टकराकर, जो परावर्तित पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं, उसे परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है ना। अब इसका भी आप यहाँ लिख सकते हैं जैसे चित्र में यहाँ इसको हम भी मान लें, चित्र में ए बी परावर्तित किरण है। बात समझ में आई? चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद का हम नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, नेक्स्ट हेडिंग अभी हमारा देखिए क्या बच रहा है, अभी हमारा आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया, फिर परावर्तक पृष्ठ हो गया, अभी हमारा अभिलंब बचा है, उसके बाद में अभिलंब के बाद में हमारा क्या बचा है स्टूडेंट्स, अभिलंब के बाद में आपतन कोण और परावर्तन कोण बचा है। तो चलिए हम पहला अब हेडिंग डालते हैं, अभिलंब क्या है, अभिलंब जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल, अभिलंब किसे कहते हैं, ठीक है, आपतन बिंदु पर, हम आपतन बिंदु पर, आपतन यही है हमारा अभिलंब, तो यहाँ लिखेंगे आपतन परावर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु के अभिलंबवत, परावर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु पर खींची गई अभिलंबवत परावर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु पर खींची गई काल्पनिक परावर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु बिंदु पर खींची गई काल्पनिक खींची गई लंब रेखा काल्पनिक लंब रेखा काल्पनिक लंब लंब रेखा अभिलंब कहलाती है ठीक है ना, अभिलंब कहलाती है। यहाँ लिखिए जैसे
देखिए ये प्रावर्तक पृष्ठ है, ये आपतन बिंदु है, इसके अभिलंबवत खींची गई है, डॉट डॉट है डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये इमेजिनरी लाइन है, मतलब ये हमारी काल्पनिक रेखा है, इसी को हम अभिलंब कहते हैं। यहाँ लिख सकते हैं जैसे चित्र में जिसको हम N1 माने, इसको N2 माने, तो ये हमारा हो गया जैसे चित्र में N1 N2 अभिलंब है, अभिलंब अभिलंब है, ठीक है। उसके बाद में डियर स्टूडेंट्स आ गया आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल जिसको बोलते हैं आपतन कोण। अब आपतन कोण क्या है? आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। बात समझ में आई? चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ लिखिए जैसे चित्र में आई आपतन कोण है, ठीक है ना, आप समझ सकते हैं। देखिए ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, ये इसके बीच बना कोण है। डियर स्टूडेंट्स इसके बाद हमारा इसका जो लास्ट पार्ट है वो है परावर्तन कोण, रिफ्लेक्ट एंगल। ये परावर्तन कोण है, परावर्तन कोण क्या है? अभिलंब तथा परावर्तित किरण के मध्य बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है, ठीक है ना। ये आपका हो गया परावर्तन कोण। यहाँ लिखिए जैसे चित्र में आर परावर्तन कोण है, ठीक है ना। डियर स्टूडेंट्स वैसे प्राय कोण के लिए हम इस तरह का सिंबल लगाते हैं, नहीं लगाते हैं तब भी कोई बात नहीं है, जब किसी लेटर को हम लिखते हैं तो कॉमा में लिखते हैं। चलिए इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में फिर हम आप लोगों को बताते हैं। आई होप वीडियो आपके समझ में आया होगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, जिससे कि हमें पता चले आपको वीडियो कैसा लगा। आप लोग जो मुझे प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। बस आप लोगों का प्यार सपोर्ट ऐसा ही मिलता रहे, मैं आप लोगों के लिए आपके आपके पढ़ाई में हमेशा मदद करता रहूँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।